हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल महाशिवरात्रि है और उसी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और शिवरात्रि है इसलिए मंदिर की क्लीनिंग तो मस्ट है, तो वही मैंने अभी स्टार्ट करी है। जस्ट मंदिर अभी फ़िलहाल खाली कर रही हूँ सारा, फिर से सारी सेटिंग करूँगी ना, और अभी शाम के शायद 4 बजने वाले हैं, तो बस अपना लग गई हूँ। और मैंने साथ में रंजन को बुलाया है कि आके मेरा काम करवा दे। आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कराऊंगी किचन की, और किचन की डीप क्लीनिंग करानी है तो उसके साथ मिलके कराऊंगी। और कल शिवरात्रि है तो मुझे है कि पहले मैं सारा सेटिंग कर दूँ आज मंदिर की और किचन की, ये दो चीज़ें कि मैं थोड़ी सी अच्छी सी क्लीनिंग करूंगी, मतलब रंजन के साथ मिलके कराऊंगी, वो मेरा काम जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा फिर उससे। तो ये मैं पहले खाली कर लेती हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, कल परसों मैंने रंजन के साथ मिलकर ही ये पूरी अलमारी खाली करवा दी। विंटर क्लोथ सारे रखवा दिए, बस दो चार ही रखे हैं जो अभी पहने जाएंगे, जैसे कि ये है, ये थोड़ा सा गर्म है, और ये जो मैंने पहना हुआ है वेलवेट का, ये तो मेरा पता है जब पूरी अलमारी खाली हुई है ना तब जाके ये मेरे टॉप निकले हैं। ये दो मनु ने मेरे को लेके दिए थे, मतलब वही लेकर आए थे, अपने आप ही ले आए थे, तो वो नए के नए एज इट इज़ पड़े हुए थे, तो अब जाके मैंने इसको आज पहना है, जब ये अलमारी खाली हुई तब जाके वो नज़र आई है मुझे। तो बस अभी जो मेरे सारे गर्मियों के कपड़े हैं ना वो सारे यहाँ पे सेट करने हैं, वो पता नहीं आज तो नहीं करूँगी, इसे मैं करूँगी 2 दिन बाद। अपनी भी कर दी खाली अलमारी, और अनाया की भी कर दी। अनाया के तो क्लोथ्स रखे हुए थे तो काफ़ी हद तक निकाल दिए, और कुछ थोड़े गर्म भी रखे हुए हैं, जो भी इसको पहनना होगा पहन लेगी, नहीं तो वापस अंदर रख देंगे। तो पूरी अलमारी खाली कर दी, ऐसा लग रहा है अलमारी को भी सांस आया आज, तो इतने कपड़े निकले हैं। और ये देखो वैलेंटाइन डे के सारे बैलून्स अभी तक पड़े हुए हैं, सारे तो नहीं थोड़े से ही हैं, कुछ तो मैंने दे दिए, और ये भी आज दे दूँगी, रंजन आएगी तो उसको दे दूँगी, वो बच्चे खेल लेंगे उसके, भगवान जी भी सोचते होंगे इतने टाइम से गर्मी में बिठाया हुआ हमको है विंटर क्लोथ्स में। अनाया के अब सिर्फ 2 एग्ज़ाम रह गए हैं, मैथ्स का और SST का, उसके बाद फ्री होंगी तो फिर कुछ कुछ देखूंगी क्या क्या घर के और चेंजेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे को हर थोड़े टाइम में मन करता है कि घर में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए जाए, तो उससे क्या होता है एक तो घर में दिल भी लगता है और घर भी थोड़ा चेंज नज़र आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है, थोड़ी पॉजिटिवनेस आती है, थोड़ी अच्छा लगता है। तो बस अनाया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद कुछ ना कुछ कामों में लगूंगी। तो चलो पहले मैं मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो रंजन आ चुकी थी 4:15 बजे, फिर मंदिर बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ा, और उसके साथ मतलब मिलके मुझे थोड़ा सा काम करवाना था, क्योंकि सब बताना पड़ता है, और दूसरा मैं हमेशा साथ मिलके काम करवाती हूँ, मतलब सब कुछ इनके ऊपर नहीं डाल देती कि ये, मतलब ये भी तो यार इंसान है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम तो रंजन ने ही किया था, मैंने तो सिर्फ थोड़ा बहुत किया, जैसे सामान सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंगली, तो बस वो मैंने किया था, बाकी सारा क्लीनिंग वगैरह रंजन ने ही की थी, तो बहुत हेल्प हो जाती है मुझे इसकी ना। तो मैं यहाँ से सारे बर्तन उठा के, ये जो है ना बर्तन का जो रैक है, तो यहाँ से सारे बर्तन हटा के मैं डाइनिंग टेबल पे रखे जा रही थी, क्योंकि अभी इसको ये सारे वॉश करेगी, उसके बाद जाके इसको सुखाएगी, उसके बाद मैं जाके इसमें बर्तन रखूँगी। और ये टेबल है, अभी मेरी किचन की कैबिनेट जैसे बनी नहीं हुई ना, तो इस टेबल पर मैं अपने कुछ कुछ बर्तन रख लेती हूँ, आपने देखा होगा मेरी किचन में पड़ा होता है ये नीचे। और बाकी देखो पूरा डाइनिंग टेबल मैंने भर दिया है, और फ्लोर पे भी कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ था। और ये है ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने इसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, ये ऑर्गेनाइज़र वैसे तो सही है,
ओके है, मतलब इसकी क्वालिटी, लेकिन बस ये है कि हाँ कमा अगर इसका जिसमें सामान है ना वो बहुत हैवी नहीं रखोगे तो ये चल जाएगा, और इसमें हैवी रखना स्टार्ट किया तो ये हो सकता है टूट भी जाए कोई, जैसे मैंने तो रिस्क लिया हुआ है इसके ऊपर। अचार की बॉटल्स रखी हुई है ना, आपने देखा होगा अचार की मैंने कांच की बॉटल्स रखी हुई है, अगर ज़रा सा इस पर हाथ पैर कुछ लग गया ना तो ये गिरेगा, तो चल रहा है रिस्क पे, देखा जाएगा। और बाकी ये वैसे ऑर्गेनाइज़र ठीक है, गुजारे लायक है, और ऐसा ऑर्गेनाइज़र मैंने एक और भी मंगवाया हुआ है, आपको मैंने एक बार शायद वीडियो में शेयर भी किया था, मैंने वॉशिंग एरिया के लिए मंगवाया था, उसमें मैंने सारा सरफ इजी की बॉटल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो वो है 4 टायर वाला, ये है 3 टायर। तो यहाँ पे अब किचन साथ साथ साफ हो रहा है, किचन फ्रिज भी खाली कर दिया, फ्रिज भी क्लीन करा रही हूँ साथ साथ। ये वनीला एसेंस है, मैंने नया मंगवाया और इसकी बॉटल मुझे बहुत क्यूट लगती है, और अनाया बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है कि टी केक बनाओ, तो बहुत जल्द बनाऊंगी, इसके एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाए फिर बनाऊंगी, और मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छे लगते हैं तो उनके लिए भी लेके जाऊंगी। और बाकी ये बेर है मम्मी ने दिए हैं नीचे, मम्मी ने उन्होंने दिए थे कि कल शिवरात्रि है तो इसलिए भगवान जी को भोग लगा देना बेर का, और मैं मंदिर भी लेके जाऊंगी। और सारी वेजिटेबल्स मैंने वॉश कर दी हैं तो यहाँ मैंने बास्केट में रखी है, और इसका काफ़ी हद तक मैंने पानी सुखा दिया था, और यहाँ पे है बीन्स, हरी मिर्च और पुदीना और धनिया, तो इन सबको भी मैं अच्छे से सुखा दूँगी। मनु मार्केट से सामान लेकर आ गए हैं, और कल के लिए दूध मंगवाया है, और ब्रेड भी हो गई, और धनिया, और हमने फूल मंगवाए हैं, फूल काफ़ी सारे मंगवाए हैं, इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये है व्रत वाले चिप्स, और ये सारा व्रत का सामान, कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सब कुछ है इसमें। और अच्छा ये तो फ्रूट कल का है, और ये मैंने एक थाली मंगवाई है, ये जब मैं अभी रात को ओपन करूँगी तब दिखाऊँगी, ये थाली मंगवाई है ये भगवान जी के भोग लगाने के लिए। तो मेरे पास ऐसी कोई भी थाली नहीं थी कि स्पेशली भगवान जी के लिए थाली भोग थाली हो कोई, तो आप फर्स्ट टाइम मंगवाइए, मैंने में हमेशा रह जाता है मंगवाना, तो इसको मैं बाद में ओपन करूँगी। और मैंने खाने में आज बनाया है कढ़ी चावल, और बस वही अनाया और अपने लिए डाल रही थी, 7:40 कुछ ऐसे टाइम हो रहा था, बस फिर हमने जब खाना खा लिया तो उसके बाद मैंने नीचे मम्मी पापा के लिए भी खाना बना दिया था, वो प्रॉपर चावल ऐसे नहीं लाइक करते हैं, चावल के साथ उनको रोटी चाहिए होती है, तो बस वही रोटी वगैरह उनके लिए बना रही थी, और बन के बस फ्री हो गई थी, और मन्नू के लिए फ्रूट काट दिया था, तो सामने वो पपीता का वो सारे छिलके पड़े वो भी हटाने हैं अभी, और जो बाकी आधा पपीता बचा है वो अब नेक्स्ट डे काम आएगा। और बाकी अपना ये स्लैब साफ़ करके अब मैं किचन से भी फ्री हो जाऊंगी, और अब मैं अपना बाकी का मंदिर का थोड़ा बहुत जो काम बचा था वो करूंगी, और 8 बज चुके हैं तो चलो अब मैं अपना करती हूँ बाकी का काम स्टार्ट।
तो यहाँ मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा जो सामान मेरा ऑर्गेनाइज़ करना बाकी रह गया था वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, और ऑयल डिस्पेंसर खाली थे उसे फिल करके रख रही हूँ। और ये है ग्लास वाला ऑयल डिस्पेंसर, इसे मैंने स्टोर 99 से परचेज़ किया था, हाफ लीटर का ही है ये सिर्फ। मैंने जान के 1 लीटर का नहीं लिया क्योंकि ये ना थोड़ा हैवी हो जाता है, और हैवी ग्लास कंटेनर डिस्पेंसर, तो उससे क्या होता है फिर अगर मैं 1 लीटर का लेती ना वो तो थोड़ा हैवी हो जाता, इस वजह से मैंने हाफ लीटर का लिया था। तो यहाँ नाया आ गई थी, मैं कुछ सामान लेने के लिए इधर उधर गई तो देखा ये स्लैब के ऊपर बैठी हुई है, इसने ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया था तो इसलिए मेरे पास आ गई थी। जब मैं इधर उधर होती हूँ तो ऐसी आ जाती है ये फिर। तो बस, और अब मेरी किचन हो चुकी है एकदम सेट, तो अभी आपको इसका लुक दिखाती हूँ प्रॉपर। मैंने अपनी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है किचन की, तो जितना भी इस काउंटर टॉप पे जितना भी सामान मैंने रखा हुआ है ना, अभी दिखाती हूँ, ये वाला सामान जितना भी रखा है ये पहले राइट साइड था, अब मैंने इसको सारा लेफ्ट साइड कर दिया। बस इसी ज़रा सा चेंज किया उसी में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो मैंने सब्ज़ी और धनिया पुदीना सुखाने के लिए रखा था ना, इसे मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। पुदीना और धनिया तो मैं एक साथ ही रख दूँगी बॉक्स के अंदर क्योंकि कल मैंने चटनी बनानी है, और जो बीन्स हैं उसे पॉलीथिन में रखूँगी क्योंकि ऐसा कोई बड़ा सा बॉक्स नहीं है जिसमें प्रॉपर सारी बीन्स आ सके। और हरी मिर्च बॉक्स के अंदर रख दूँगी और बेर एक बॉक्स में रख दूँगी, तो ऐसे करके मेरा ये सारा फ्रिज का सामान अब फ्रिज में चला जाएगा। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ भगवान जी के भोग की थाली, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी और आज ही मैंने मनु से मंगवाई है। और इसको जब मैंने मंगवाया ना, मनु ने बताया कि ये 750 की मिली है, ठीक है। और इसमें 3 कटोरी हैं जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और एक है स्वीडिश वाली कटोरी जो होती है प्याली जिसको कहते हैं, और एक स्पून है एक ग्लास है। तो ये पूरा सेट हमें 750 का पड़ा है लोकल मार्केट से जहाँ पे हम रहते हैं। और अमेज़ोन से मनु ने फिर सेम चीज़ चेक करी तो वहाँ पे 1350 की मिल रही है, और वैसे मुझे ये मतलब सही लगा पूरा सेट ना। और साथ में मैंने एक चीज़ और मंगवाई है जो कि डेली बेसिस पे जैसे भोग लगना होता है तो उसके लिए मैंने छोटी सी थाली मंगवाई है, और ये वाली जो बड़ी थाल मंगवाई है ना ये मंगवाई है जैसे शिवरात्रि हो गई, नवरात्रे हो गए, और कोई भी मतलब ऐसा बड़ा फेस्टिवल तो उसके लिए जैसे काम आ जाती है, बड़ी थाली चाहिए होती है तो ये तब के लिए। और जैसे मेरे को डेली भोग लगाना होता है तो उसके लिए मैंने मंगवाई है एक छोटी सी थाली, अभी आपको दिखाती हूँ खोल के, और साथ में है 2 ग्लास छोटे, वो उसके रेट मुझे नहीं मालूम कितने के। हाँ थाली का पता है, थाली मनु ने बताई थी कि 250 की मिली है, और इतनी अच्छी क्वालिटी और शाइन इतनी अच्छी कर रही थी। वैसे तो नए बर्तन जो होते हैं तो वैसे ही शाइन करते हैं। और साथ में ये ग्लासेस हैं, एक तो ये है और एक और है, और साथ में मैंने भगवान जी के लिए ही अलग से स्पून मंगवाए हैं।
छः का सेट मंगवा लिया, ये वाला तो ये भी अच्छा है। ये छोटा है स्पून, बहुत छोटे वाले स्पून हैं जो स्वीडिश वाले हम स्वीडिश के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वो वाले स्पून हैं। और साथ में मन्नू अपने आप ही चाकू भी लेकर आ गए, नाइफ का पूरा सेट लेकर आ गए, और जबकि मुझे चाहिए नहीं था। तो ये वाला कहते मुझे कलर अच्छा लगा इसलिए मैं ले आया, मुझे दूसरा वाला चाहिए जो बड़े साइज़ के होते हैं ना, थोड़े बड़े बड़े चाकू होते हैं जो, वो चाहिए मुझे। तो ये है पूरा सामान, मतलब जो भगवान जी से रिलेटेड मैंने मंगवाया था, थाली वगैरह, ये वो है जो मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगी रात को। तो कैसी लगी मुझे बताना, मुझे तो बहुत प्यारी सी लगी, और इसमें अब भगवान जी को खाना दिया करूँगी। तो मंदिर भी मेरा क्लीन हो चुका है, एकदम क्लीन कर दिया, एक घंटा लगा था क्लीन करने में। कोई मैंने खास इसकी सेटिंग चेंज नहीं करी, एज इट इज़ रखे हुए हैं। बस मैंने सारे कपड़े उतार दिए हैं, वो मैं अब कल पहनाऊंगी भगवान जी को। और सबको मैंने स्नान भी करा दिया था रात को ही, तो सबको गर्म पानी से स्नान करा के उनको अपना मंदिर में रख दिया। और यहाँ सारा ये प्रसाद का जो भी सामान है, व्रत का सामान, वो सारा मैं टेबल के ऊपर रख रही हूँ। बड़ी देर से ना ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा अब टेबल खाली हुआ है तो अब इसके ऊपर रख देती हूँ। अब मैं आ गई थी रूम में और अनाया का सोने का टाइम हो चुका था, तो इसे बस सुलाऊंगी, और जितनी देर मतलब मैं जाऊँगी उतनी देर मैं अपनी एडिटिंग का काम करूँगी। थकावट तो हो चुकी है लेकिन अब थोड़ा सा तो करना पड़ेगा काम, क्योंकि प्रॉपर मैं एक साथ टाइम नहीं दे पाती हूँ एडिटिंग का, जैसे जैसे टाइम मिलता है उस तरीके से देती हूँ। और कल भी मेरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है तो पता नहीं कैसे हो पाएगी, मतलब ये वीडियो कब पहुँचेगी कब नहीं मुझे भी नहीं मालूम। तो जितनी जितनी क्लिप्स मैंने सुबह बनाई थी उसी की एडिटिंग करूँगी अभी बैठ के। और ये मेरी मेडिसिन जो मैं खा रही हूँ, मैंने आपको बताया ही नहीं ना, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मेरी मेडिसिन का कोर्स चल रहा है, मेरा विटामिन डी की कमी है, तो मेरा 3 मंथ्स का कोर्स है, तो वही बस अपना लेती हूँ। और अब तो 1 महीना भी पूरा होने वाला है, और बाकी बस अब अनाया को सलाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं भी सो जाऊंगी। तो अब आपसे कल मिलूंगी शिवरात्रि पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब आपसे कल मिलूंगी, सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, हर हर महादेव।